ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम नंबर सीरीज का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया था और पार्ट फर्स्ट में बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, कैसे हमें खुद से क्वेश्चन बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है हमारा, वो केवल प्रैक्टिस का होता है। इसलिए आपको रीजनिंग के लिए, अगर आपको यूपीएसआई में 40 में से 40 लाने हैं, ग्रुप डी में 25 में से 25 लाने हैं और एसएससी जीडी में अगर 25 में से 25 क्वेश्चन लाने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी चैनल से देखें, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप केवल एक ही चैनल से देखें पूरी वीडियो। हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये होती है कि हम 2 मिनट के लिए एक चैनल को देखते हैं, 2 मिनट के लिए दूसरे चैनल को, फिर तीसरे चैनल को, इस प्रकार हमारा पूरा दिन वेस्ट होता होता जाता है। ठीक है, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखें, आप किसी का भी चैनल देख सकते हो, लेकिन देखें एक ही। ठीक है, तो उसी को टारगेट मान के आप अपने नोट्स बनाते चलिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखें, तो सबसे पहले आपको आपको अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है। जो जो चीज़ें मैं नोट कराता हुआ चलूँ, आपको नोट कर लेनी है। और उसके बाद जो चीज़ें, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, वो आपको नोट करते जाना है। फिर आपका सिलेक्शन 100% होगा, मैं इस बात को लिखित में दे सकता हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, जैसे 120 और उसके बाद कितना है, उसके बाद है 440 और उसके बाद है कितना, 120 के बाद 440, उसके बाद 960 और उसके बाद कितना है, 1680 है, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। आप मुझे इसका फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे आप ये बताइए, ये वाला किसके नज़दीक है, ये 121 के नज़दीक है, ये किसके नज़दीक है, ये 441 के नज़दीक है, और ये वाला 961 के नज़दीक है, और ये वाला 1681 के नज़दीक है। और इससे अगला जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी संख्या के वर्ग के आसपास आएगा। तो आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन से 2600, 3040 या 3240, या फिर आप कितना लगा सकते हो, 2400 लगा सकते हो। देखो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है ये वाला तो है 11 का स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला क्या है, 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 441 होता है 21 का स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला क्या है, 31 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 31 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 961 होता है, 961 होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला क्या है, 41 का वर्ग माइनस 1, 41 का जो वर्ग होता है वो 1681 होता है, और 1681 में से 1 घटा देंगे तो 1680 आएगा। अब आपने यहाँ से देखा, पहले 11 है, फिर 21 है, फिर 31 है, फिर 41 है, फिर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 51 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। कितना आएगा, 51 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और 51 का स्क्वायर आपको सभी को पता होगा कितना होता है, 2601 होता है, और 2601 में से जब आप 1 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक चीज और बता दूं, इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, एसएससी सीएचएसएल लगा, जिसके एग्जाम बाकी है वो होगा, और आपका सीजीएल होगा, और रेलवे ग्रुप डी होगा। आपको फोकस करना है रेलवे ग्रुप डी, जिसका ग्रुप डी का एग्जाम है वो जरूर देखे ये वीडियो, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, 7, उसके बाद कितना है, 12, उसके बाद कितना है आपका, 19, बेहद आसान है, और उसके बाद है 28, उसके बाद है 39, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए कि 7 से 12 कैसे हुआ होगा, तो आप कहोगे कि 5 जोड़ दिया होगा,
12 से 19 कैसे होगा? तो आप बोलोगे कि यहां पे आप हमने 7 जोड़ दिया होगा। अगर 19 से 28 हो रहा तो इसका मतलब आपका 9 जुड़ गया होगा। 28 से 39 हो रहा तो इसका मतलब 11 जुड़ गया होगा। तो पहले 5 जुड़ा, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब की बार कितना जोड़ देंगे हम? जोड़ देंगे अब की बार 13 जोड़ देंगे। 39 और 13 52 हो जाएगा। और 52 कौन से ऑप्शन में है? 52 है ए ऑप्शन में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं और 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और उसका होमवर्क में आपको विद सॉल्यूशन आपको कमेंट में करके आंसर बताना है। जो आपका जो भी इसका आंसर बताएगा उसको मैं अगली क्लास में लाइव कॉल करूंगा। ठीक है, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसको कॉल करूंगा, उससे पूछूंगा, उसको थोड़ी सलाह दूंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ पे कमियां रह गई आपकी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तीसरा जो है वो क्या है? 36, उसके बाद कितना है? 34, उसके बाद 30, उसके बाद 28, उसके बाद 24 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है। मुझे आप ये बताइए कि 36 से 34 कैसे आया होगा? तो आप कहोगे कि 2 घटा दिया होगा। 34 से 30 कैसे आया होगा? तो आप कहोगे कि 4 घटा दिया होगा। 30 से 28 कैसे आया होगा? तो आप बोलोगे कि 2 घटा दिया होगा। 28 से 24 कैसे आया? तो आप बोलोगे कि 4 घटा दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 घटाया गया, फिर 4 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 4 घटाया गया। तो अब की बार कितना घटाएगी? 2 घटा देंगे। तो 24 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? आपका आंसर 22 आ जाएगा। तो 22 कौन से ऑप्शन में है? 22 है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान सा सवाल था ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्थ में 7, 20 और उसके बाद 59, उसके बाद 176, उसके बाद 527 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि 7 से 20 कैसे आया होगा? तो आप कहोगे कि 3 से गुणा कर दी होगी और 1 घटा दिया होगा, क्योंकि 7 21 -1 20 आ गया होगा। ठीक है, देखो एक चीज और बता दूं, रीजनिंग के जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उनका कोई तरीका नहीं होता, वे केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं। तो आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बार बार जब एक क्वेश्चन को देखोगे, अगर आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो जब 51वां टाइप आएगा तो आप उसको आराम से लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 गुणा किया, 3 गुणा किया और -1 कर दिया। 20 30 60 -1 कितना होगा? 59 आ जाएगा। फिर से 59 का 3 गुणा करेंगे, क्या करेंगे? 59 का 3 गुणा 177 होगा और 177 -1 करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाली संख्या है वो पहले वाली संख्या का 3 गुणा होगा, -1 होगा। तो यहाँ से भी 176 का 3 गुणा करेंगे तो 528 होगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का 3 गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो 3 7 21, इकाइकांक 1 -1, आखिरी में 0 मिलेगा। और आखिरी में 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है 1580 में। ठीक है, क्यों हमने पूरा गुणा क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें पता है जो नेक्स्ट वाला पोर्शन मिलेगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाइकांक 3 7 21 और इकाइकांक 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा, मतलब इकाइकांक 0 मिलेगा। इकाइकांक 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, ये वाला है आपका होमवर्क में। ठीक है, 61 52 और 63 और 94 46, जो भी इसका आंसर बताएगा उसको कॉल की जाएगी और उसको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे कैसे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और यूपीएसआई का भी हो चाहे वो स्टूडेंट, सभी इसका कमेंट करके आंसर बताओगे। तो ये वाला आपका होमवर्क है और ये कभी मैं जब टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है
और दिस इज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है, बेहद आसान है, लेकिन आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन, और थोड़ी बहुत शायरी भी कर दिया करें कमेंट में, ठीक है, और फिर उसकी शायरी भी पढ़ने का हमें भी मौका मिलेगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है? 30, 28, उसके बाद 23, उसके बाद 21। मुझे आप ये बताइए कि 30 से 28 कैसे आया होगा? 2 घट के आया होगा। 28 से 23 कैसे आया होगा? 5 घट का आया होगा। 23 से 21 कैसे आया होगा? 2 घट का आया होगा। और 21 में से देखो, सबसे पहले 2 घटा हुआ है, फिर 5 घटा हुआ है, फिर 2 घटा हुआ है, अब की बार फिर कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे, 21 माइनस 5 16 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां है 4, 6, 10, 16 और 24, उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है। ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कितना जुड़ा हुआ है? आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, उसके बाद कितना जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है, उसके बाद कितना जुड़ा हुआ है? 6 जुड़ा हुआ है, उसके बाद 8 जुड़ा हुआ है, अब की बार कितना जोड़ देंगे? तो आप कहोगे कि 10 जोड़ देंगे, मतलब पहले 2 जुड़ा हुआ है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। तो यहाँ पे 24 में जब 10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें? 34 मिलेगा, और 34 ही क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन था ये, सातवें क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा। जो हमारे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आठवां, 4, 6, 10, 16, 24 और फिर क्या है? सॉरी, ये वाला तो सातवां है। आठवीं की तरफ चलते हैं। 1, 6, 30, 120, 360 और फिर क्वेश्चन मार्क गिवन है। देखो, 1 से 6 आप बोलोगे कि कैसे आया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 5 जुड़ा होगा, फिर 24 जुड़ा होगा और फिर 90 जुड़ा होगा, तब हमारा पैटर्न नहीं बन पा रहा कोई। तो हम क्या करेंगे, जब जोड़ने का या घटाने का पैटर्न ना बने तो हम वहाँ पे गुणा वाला पैटर्न देखेंगे या फिर भाग वाला पैटर्न देखेंगे। भाग वाला तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ये 6 गुणा है, 1 का 6 गुणा 6, और इससे अगली संख्या कितने गुणी है? 5 गुणी है, उससे अगली संख्या 4 गुणी है, उससे अगली संख्या 3 गुणी है, 120 का जो 360 है वो 3 गुना होता है, और जो नेक्स्ट वाली संख्या आएगी, आपने देखा पहले 6 गुणा है, फिर 5 गुणा, फिर 4 गुणा, फिर 3 गुणा, अब की बार कितना गुणा आ जाएगा? 2 गुणा आ जाएगा। तो 360 में जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 720 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका आंसर किस किसने कमेंट में किया था, ठीक है। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसकी ठीक ठाक तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन, सातवां सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? 30, 24, उसके बाद 19, उसके बाद 15, उसके बाद 12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है। देखो भाई क्या है, सबसे पहले तो देखो 6 घटा हुआ है, उसके बाद कितना घटा हुआ है? 5 घटा हुआ है, उसके बाद 4 घटा हुआ है, उसके बाद 3 घटा हुआ है, उसके बाद 2 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ये बेहद आसान से सवाल है, बिल्कुल चूर्ण क्वेश्चन है, आप केवल इनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप ये भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे 100%, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली इनकी, तो आप 100% करके भी आओगे, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है? 5, 4, 10, 8 और 15 और फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
देखो भाई क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें एक घटा हुआ है, ठीक है, एक घटने वाला नहीं, और फिर कितना जुड़ गया, 6 जुड़ गया, फिर 2 घट गया, फिर कितना जुड़ गया, 7 जुड़ गया। अब की बात देखो, पहले क्या करा हमने, पहले एक घटा, फिर 6 घटा, फिर 2, सॉरी 6 जुड़ गया, फिर 2 घट गया, फिर 7 जुड़ गया। अब की बात पहले एक घटा था, फिर एक पद छोड़ कर 2 घटा था, अब की बार एक पद छोड़ कर 3 घटा देंगे, तो 15 में से 3 घटेगा, 12 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो आपका ये वाला तरीका है, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका ये है, देखो भाई इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 5, 4, 10, 8 और 15 और क्वेश्चन मार्क। देखो एक एक पद छोड़ कर देखो, 2 सीरीज बनी हुई है इसमें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, इससे अगला पद आता 20 आता, लेकिन हमें तो इससे पहले वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले 4 का 2 गुना 8, फिर 4 का 3 गुना 12, तो हम इस तरह भी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से कर लीजिए आप, दोनों से ही इजी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी मेथड लगा कर देखिए, तभी आप सीख पाओगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, 5, 5, 13, 29 और 61 और फिर है 125, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये वाला गिवन है। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि 5 से 13 होने में कितना जुड़ा होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 8 जुड़ गया होगा, ठीक है, कितना जुड़ गया होगा, 8 जुड़ गया होगा। देखो मैं इस सवाल को जानबूझ के पहले गलती कर रहा, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन जोड़ के ही किए थे, जोड़ के या घटा के, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 29 और 32 कितना होता है, 61 होता है, मैं जानबूझ के गलती कर रहा था, ये तो क्वेश्चन ही ठीक हो गया। देखो 61 में आपकी बार कितना जुड़ेगा, 64 जोड़ दो, तो कितना आएगा, 125, मतलब पहले 8 जुड़ा हुआ है, फिर 8 का दुगना 16 जुड़ा हुआ है, फिर 16 का दुगना 32 जुड़ा हुआ है, फिर 32 का दुगना 64 जुड़ा हुआ है, फिर 64 का 2 गुना जोड़ देगी, 64 का 2 गुना 128, 128 जैसे ही जोड़ोगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका, 253 आपका आंसर आ जाएगा, 253 ऑप्शन ए में है, ठीक है, कौन से में है, ऑप्शन ए में है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, कोई गलती नहीं थी सवाल में। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12th क्वेश्चन क्या है, 2, उसके बाद 29, उसके बाद 56, उसके बाद 83 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से 2 से 29 होने में आपने कितना जोड़ा होगा, 27 जोड़ा होगा, 29 से 56 होने में भी आपने कितना जोड़ा होगा, तो आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे भी 27 जोड़ा होगा, 27 प्लस, 56 से 83 होने में फिर यहाँ पे आपने 27 जोड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार 27 जुड़ता जा रहा, 27 27, अब की बार भी 27 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 110 आ जाएगा, और 110 ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपके UPSI में 2.5 नंबर पक्के हो जाएंगे, और ग्रुप डी में आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन देखो भाई, 13वां क्या है, 13वां क्वेश्चन है 0.15, फिर क्या है 0.3, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 1.2, फिर क्या है 2.4। देखो इस तरह का सवाल करने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद अधिकतम अंक देख लो कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो दो दो अंक बना लो, 2 अंक बनाने के लिए यहाँ 0 चिपका दो, यहाँ पे 0 चिपका दो, यहाँ पे 0 चिपका दो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 15 30, यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 120 का 2 गुणा है 240, मतलब 15 का 3, 15 का 2 गुणा 30, 30 का 2 गुणा 60, अर्थात 0.60 आएगा, और 60 का 2 गुणा 1.20 हो जाएगा, और 120 का 2 गुणा 240 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 60 आएगा, और 60 का मतलब ऑप्शन में 0.6 गिवन है, 60 को 0.60 को हम 0.6 भी लिख सकते हैं, 0 हटा के लिखा जा सकता है, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14 1, 1/2, 1/2, उसके बाद फिर 1/2, और फिर 3/4, और फिर 3/2, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो दो बार पूछा गया है, एक बार सीजीएल में आया हुआ है और एक बार सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे, 1 से 2 होने में कितना गुना हुआ होगा, 1/2 गुना हुआ होगा, और 1/2 से 1/2 होने में 1 गुना हुआ होगा, 1/2 से 3/4 होने में कितना गुना हुआ होगा, 3/2 गुना हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 3/2 गुना, मतलब पहले 1/2 गुना, आधा गुना, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, ये 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 भी हम इसको लिख सकते हैं, ये 1.5 गुना, ये आधा गुना, ये 1 गुना, फिर 1.5 गुना, अब की बात 2 गुना, अगर मैं इसका 2 गुना निकालूं, जैसे 3/4 का 2 गुना करना है, तो आप क्या करोगे, 2 से 2 बार कैंसिल, 3/2, देखो नेक्स्ट वाला यही है, तो इसका कितना गुना आएगा, ये 2 गुना, अब की बार क्या करेगी इसका हम 2.5 गुना निकाले, कि 2.5 का मतलब होता है 5/2 गुना, तो 5/2 जैसे ही हम इसका निकालेंगे, 3/2 गुना 5/2, तो आपका आंसर आएगा 5 से 15 और 4 आएगा, तो 15/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको अलग से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप सारे ही क्वेश्चन नोट करते जाइए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को इधर उधर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। चलते हैं अब हम 15 क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं, और 20 क्वेश्चन में से जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 19 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जो मैंने दे दिया, शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन था, हो सकता है छठा भी हो, तो जो क्वेश्चन है आपको वो कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या है, 8, 24, 48 और फिर 80, फिर कितना क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, 16 जुड़ा हुआ है, और 24 के बाद कितना जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 24 जुड़ा हुआ है, उसके बाद कितना जुड़ा हुआ है, 32 जुड़ा हुआ है, उसके बाद कितना जुड़ेगा, आपने देखा पहले 16 जुड़ा, फिर 16 में 8 जोड़ा तो कितना जुड़ गया, यहाँ से 24 जुड़ गया, फिर 24 में 8 जोड़ा 32 जुड़ गया, अब की बार 32 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 40 जुड़ जाएगा, 80 और 40 120 आ जाएगा, और 120 ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बेहद आसान सवाल है। देखो सीरीज का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पे जोड़ वाला लगाना है, जोड़ वाला, घन वाला, वर्ग वाला, अर्थात क्यूब और रूट वाले हमें चेक करने हैं, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 16 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करके बताइए, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। 538, 725 और 813, और नेक्स्ट का आंसर बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसने इसका आंसर दे दिया वो ग्रुप डी में भर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके पास 30 सेकंड है, और 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है इसके 712, 814, 328 और 219 गिवन है। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ के बताऊंगा फिर किस किस ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, देखो 538, 725 और 813, पहले संख्या क्या हुई है, बड़ी हुई है, फिर से बड़ी हुई है, अब की बार बड़ी हुई ही आंसर आएगी हमारे अकॉर्डिंग, तो बड़ी हुई आंसर 219 तो होगा नहीं, 328 ये भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा हुआ आंसर आएगा पहले 500, फिर 700, फिर 800, फिर 900 के आसपास आएगा, 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या फिर घट के भी आ सकता है। देखो घट के कैसे आएगा इसको देख लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन है इसमें डिजिटों का सम दे रखा है, क्या कर रखा है, डिजिटों का सम दे रखा है, तुक्के से ही भेज सकते हो आप आंसर इसका, लेकिन कन्फर्मली कोई नहीं बताएगा, मुझे इतना तो पता है, 5, 3, 8,
और 8 16, इसका मतलब इनकी डिजिटों का जो सम है वो कितना है 16। 7 और 2 9 और 5 कितना हो जाएगा, इनके डिजिटों का जो सम है वो कितना हो जाएगा 14। 8 और 1 9 और 3 12, इनकी डिजिटों का सम कितना हो जाएगा 12। अर्थात पहले 16 है डिजिटों का सम, फिर 14, फिर 12। अब की बार जिन डिजिटों का सम 10 हो जाए वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से किस डिजिट का सम 10 हो रहा, तो आप कहोगे कि 712 जो डिजिट है उसका जो सम है वो कितना हो रहा, 10 हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला भी, तो इसका आंसर 712 आएगा, ना तो 814 आएगा, ना 219, ना 328 आएगा। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है शायद, 10 18 क्वेश्चन, 16वें को 17वां भी हो सकता है, 16वां या 17वां कुछ भी हो सकता है, तो उस पर उस चीज पर ध्यान मत देना आप। 10 18 28, फिर कितना है 40। बेहद आसान है, फटाफट करके बता दो इसका आंसर। ठीक है, देखो 10 से 18 होने में 8 जुड़ा, 18 से 28 होने में 10 जुड़ गया, 28 से 40 होने में 12 जुड़ गया। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया इसका, देखो पहले 8 जुड़ा, फिर 10, फिर 12, फिर 14 जुड़ जाएगा, फिर कितना जुड़ जाएगा 16 जुड़ जाएगा, अब की बार 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ दे 70 और 18 88 हो जाएगा, और 88 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी का क्या होगा, इसका 70 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 88 हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉरी ये 16वां क्वेश्चन था, अब की बार है 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां है 5 16 51 और 158, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो जब है ना डिफरेंस ज्यादा ज्यादा हो तो वहां पे आपको गुणज वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे 5 से 16 कैसा आया होगा, 3 गुणा होकर 1 जुड़ गया, फिर 16 से 51 कैसा आया, 3 गुणा होकर 16 3 48, 3 ही जुड़ गया। 51 से कितनी बार आया होगा, 3 गुणा होकर 51 3 153, 153 में 5 जुड़ गया, मतलब हर बार 3 गुणा हो रहा, और पहले विषम संख्या 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ गई, फिर 5 जुड़ गई, अब की बार कितनी जुड़ेगी, 3 गुणा होकर 3 गुणा होगा, और फिर अब की बार 7 जोड़ देंगे, 3 8 24, 21 अंक 4 4 में 7 जोड़ेंगे 1 मिलेगा, और 21 अंक कितना है यहाँ पे 481 का अंक, केवल ऑप्शन में एक यही है ऑप्शन बी में। जब इसकी 3 में गुणा करेंगे और 7 जोड़ेंगे तो 481 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो 481 इसका आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 18वां क्वेश्चन है, 0 6 24 और 60 120, फिर कितना है 210, और फिर कितना है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम कई बार बता भी दिया, और ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार ये मैंने भी बता दिया, और एग्जाम में कम से कम हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सीजीएल में भी, सीपीओ में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, जेडी में भी, आपके यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार एग्जाम में आ चुका। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, हम इसको क्या करेंगे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, भले इस पर ना लिखा हुआ हो कि कितनी बार पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार देखा है मैंने। क्या है इसमें, 1 का वर्ग -1, ये वाला मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था क्वेश्चन, जब मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए थे। तो खुद क्वेश्चन बनाने सीखो रीजनिंग के, तभी आप सीरीज के क्वेश्चन सीख पाओगे। ठीक है, खुद क्वेश्चन बनाने सीखो। जैसे ये 1 का वर्ग -1, सॉरी 1 का घन 1 होगा, -1 करेंगे तो कितना जाएगा 1। ये वाला कितना है, 2 का घन -2, मतलब जितने का घन उतना ही घटा हुआ है। फिर 24 कैसा आया होगा, तो 3 का घन -3। फिर 60 कैसा आया होगा, 4 का घन -4, 4 का घन 64 -4 60। फिर 120 कैसा आया होगा, तो आप बोलोगे कि 5 का घन -5।
फिर 210 कैसे आया होगा? तो आप बोलोगे कि 6 का घन माइनस 6, इससे अगली जो संख्या आएगी उसका आंसर कितना आएगा? 7 का घन माइनस 7 आएगा। 7 सत्तर 49 343 माइनस 7 कितना आंसर आएगा? 336 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 336 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? 336 होगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को तो रट लो अच्छी तरह से। हो सकता है भविष्य में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे प्लस करके आ जाए। जैसे यहाँ पे प्लस करेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 10, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा, यहाँ पे 130 और यहाँ पे 222 हो जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 350 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आगे के लिए ये याद करना है, हो सकता है कि प्लस भी करके दे दे। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां नहीं, सॉरी 20वां है, 20वां। 2 4 16, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना है? 6500, 6536। ठीक है, देखो आपने देखा 2 का वर्ग 4 कितना गुना है? 2 गुना। फिर 4 का 16 कितना गुना है? 4 गुना। फिर 16 का कितना गुना लेंगे हम? 16 गुना ही लेंगे। 16 का 16 गुना कितना होता है? 256 होता है। फिर 256 का जब हम 256 गुना लेंगे तो 256 गुना 256 आपका 6536 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा इसका? 256 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 256। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आज टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और जो UPSI के भी बंदे हैं वे भी अपनी तैयारी करते रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।